ठीक है, हज में जाने के बाद इबादतें, हज के अरकान, दुआएं तो याद नहीं होती, लेकिन चिट्ठियां बनती, लिस्ट दावत जितों ने दिए, दावत में क्या खिलाया, एक खाना या दो खाने और मीठे के साथ था क्या, उसके हिसाब से चीजें तय होती। इसको खाली पैकेट दे दो, दो खजूर, एक पानी की बोतल, एक टोपी और एक तस्बी। इन्हें खाने में दो खाने बनाया था तो उसके साथ इसको क्या दो, एक रुमाल। इन्हें तीन खाने बनाया था तो जानमाज। इन्हें अपने को बहुत बहुत बार बुलाया तो इसके लिए एक वो खाली लेके जाओ यहाँ से। इसकी पूरी प्लानिंग हो रही है, औरतें बैठी है, शाम में आने के बाद ये तस्करे चल रहे हैं। गोल्ड कहाँ से लेना है, शॉप्स कौन से अच्छी दिख रही थी, सुपर मार्केट कौन से अच्छे थे, हाँ इसके ब्रांचेस और कहाँ कहाँ हैं, पूरी प्लानिंग ऐसी रहती है। अल्लाह रहम करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के हज पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ गौर कीजिए, सोचने की चीज़। ये सब मिलेगा, लेकिन मसला क्या है कि जब हज को जा रहा हूँ तो सब देखता हो, दावत 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 दावत, तो सब लोग बोलते हैं हाँ मैं बुलाना कोशिश कर रहा, मैं उधार लेके कोशिश कर रहा, मतलब कभी कभी नज़रों में चल रहा, खामोशी में चल रहा था, देख रहे हज को जा रहा मैं, तो सामने वाला बोलता दिल में मैं कोशिश कर रहा था मुझको बुलाने की, हालत ये। आने के बाद पूरा हिसाब लगा के एक बड़ी दावत, और उस दावत में और पूरे आमाल में कहीं ये तस्करा नहीं हो रहा कि अब मैंने क्या सीख कर आया, ज़िंदगी कैसी गुजारना है। सारे तस्करे मैंने कहा ना, लैंडमार्क्स कहाँ रहा, क्या देखा, लाइट क्या जलता था रात में, हरा हरा लाइट, वहाँ का ये ऐसा था, यहाँ का वॉश बेसन था, वहाँ का शावर ऐसा था, हाथ डाले तो पानी आ जाता था, फलां करते होता था, मेरे को समझा नहीं, सारे तस्करे।